नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस न्यूज में। जैसा कि बोर्ड पे आप लोग देख पा रहे हैं, यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2020 की हम लोग बात करना चाहेंगे। जो एग्जाम कंडक्ट कराने वाली संस्था है वो उत्तर प्रदेश की लखनऊ यूनिवर्सिटी है, ठीक है। तो लखनऊ यूनिवर्सिटी के निर्देशन में इस बार एंट्रेंस एग्जाम होने वाला था। हालांकि कोरोना वायरस का कहर चल रहा था, इसलिए एग्जाम विलम्ब हुआ और साथ ही साथ शैक्षणिक सत्र भी विलम्ब हो गया है। इससे पहले वाला जो एग्जाम 2019 का हुआ था उसमें बरेली यूनिवर्सिटी रुहेलखंड यूनिवर्सिटी ने कम्प्लीट करवाया था एग्जाम। तो हम लोग एंट्रेंस एग्जाम के बारे में बात करेंगे, क्या है सिलेबस और फाइनली कहाँ से क्वेश्चंस पुटअप होते हैं, कैसे मेरिट लिस्ट बनती है और फाइनली काउंसलिंग हम लोग किस बेसिस पे करा पाएंगे, गवर्नमेंट कॉलेज किस बेसिस पे मिलता है और कितने अंक लाने के बाद फाइनली हम गवर्नमेंट कॉलेज के लिए चूज हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं। अगर बात करते हैं यूपी गेट संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2020, तो इसका निर्देशन यानी जो एग्जाम कंडक्ट करा रही है वो संस्था है लखनऊ यूनिवर्सिटी, और लखनऊ यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर हैं इस समय कुलपति वो है आलोक कुमार राय, ठीक है। आलोक कुमार राय जी के निर्देशन में कार्य हो रहा है और जो एग्जामिनेशन कंडक्ट कराएंगी वो है प्रोफेसर अमिता वाजपेयी, इन्हीं के अंडर में फाइनली पेपर बनेगा और इन्हीं के अंडर में ही राज सोनबेग इन्हीं को बनाया गया है, परीक्षा प्रभारी भी है, ठीक है। तो संयुक्त प्रवेश परीक्षा की परीक्षा प्रभारी भी यही है और उन्हीं के अंडर में ये पेपर कम्प्लीट होगा। तो जो पेपर का स्वरूप है वो क्या है, अगर नहीं पता है तो चैनल के साथ जुड़ रहे हैं, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे और आप फ्री ऑफ कॉस्ट यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर सकें। साथ ही साथ कई ऐसे मंडे एंट्रेंस हैं जिसकी तैयारी चैनल फ्री ऑफ कॉस्ट कराता है, तो उसके लिए बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप चैनल का भरपूर लाभ ले सकें। अगर हम लोग बात करते हैं अगले स्टेप पे, तो जो ये आवेदन प्रारंभ हुआ था वो स्टार्ट हुआ था 12 फरवरी 2020, ठीक है। 12 फरवरी 2020 को आवेदन प्रारंभ हो गया और लगभग कई लाख कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो फॉर्म अप्लाई किए हैं, लगभग 3 लाख के कैंडिडेट्स हैं ऐसे। अगर बात करते हैं अंतिम तिथि की, तो 6 मार्च 2020 के फाइनली लास्ट डेट, अगर उसी समय नोटिफिकेशन की डेट से देखा जाए तो उसमें पहले से ही फिक्स था क्या काउंसलिंग डेट, शैक्षणिक सत्र कब से स्टार्ट होगा और फाइनली रिजल्ट कब आ जाएगा। तो अगर हम लोग बात करते हैं विलम्ब शुल्क अंतिम तिथि क्या थी, तो 8 अप्रैल 2020 थी फाइनली आप यहाँ पे शुल्क जमा करने के लिए। शुल्क क्या रखी गई है, तो ओबीसी एससी के लिए 1500 रूपये, जबकि एससी एसटी के लिए 750 रूपये निर्धारित की गई है और अदर स्टेट के लिए कैंडिडेट्स के लिए भी 1500 रूपये शुल्क निर्धारित है। अगर हम लोग बात करते हैं अदर्स, जैसे पहले ही काउंसलिंग की डेट फिक्स थी तो ठीक 1 जून 2020 से काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा, लगभग 15 से 20 दिन काउंसलिंग डेट चलती है, ठीक है। उसके बाद फाइनली शैक्षणिक सत्र स्टार्ट होता है, लेकिन ये सब डेटें अब फेक हो गई क्योंकि गलत हो गई, कोविड-19 का कहर था और उस समय लॉकडाउन की स्थिति थी और कई दिक्कतें आई हैं। अगर बात करते हैं शैक्षणिक सत्र की, तो ये भी अब पिछड़ा हो जाएगा यानी पिछड़ जाएगा, 1 जुलाई 2020 से शैक्षणिक सत्र नहीं चल पाएगा। और इसमें अगर उत्तर प्रदेश शासन कोई निर्णय लेता है तो उसके लिए आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो प्रश्न पत्र और एग्जाम होने वाला है यानी फाइनली जो प्री पेपर होने वाला है, प्री आपको जानते होंगे दो पेपर होता है, प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र, तो जो फाइनली पेपर होगा जिस बेसिस पे आपका फाइनली एडमिशन होगा वो डेटें आ गई है। कंफर्म डेट अगर हम लोग बात करते हैं तो कंफर्म डेट अब घोषित हो गई है, ठीक है। 9 अगस्त को फाइनली पेपर होना है, 9 अगस्त 2020, बहुत ज्यादा विलंब है, जुलाई में सत्र चलने वाला था 1 जुलाई को, और 9 अगस्त को फाइनली प्री का पेपर होगा। प्री का पेपर होने के बाद लगभग 3 लाख कैंडिडेट्स हैं, उनकी कापियां चेक होंगी, उसके बाद शॉर्ट लिस्टिंग होगी, देन मेरिट लिस्ट बनेगी, उसके बाद फाइनली कोई प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है यानी काउंसलिंग की डेट स्टार्ट हो सकती है। तो अगर हम लोग बात करते हैं पहले एग्जाम डेट की, जो सबसे पहले आया कोविड-19 के थ्रू ही, वो 8 अप्रैल 2020, ठीक है। 8 अप्रैल 2020 के बाद ये पोस्टपेन हुआ, फिर 29 जुलाई 2020 एकदम फिक्स डेट दे दी गई थी शासन की तरफ से, लेकिन 29 जुलाई 2020 को कोरोना का कहर बहुत ज्यादा बढ़ता रहा, फिर अनलॉक 1, 1 जुलाई से अनलॉक 1 स्टार्ट हुआ, उसमें भी कुछ कंट्रोल नहीं हो पाया, ये भी डेट पोस्टपोन हुई। आप जाके फाइनली जो डेट आई है, डेट क्या आई है, इसमें एडमिट कार्ड भी डाउनलोड हो रहा है, सभी को पता होगा, जो लोग फॉर्म अप्लाई किए हैं वो लोग अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। अब 9 अगस्त 2020 से फाइनली एडमिट कार्ड डाउनलोड होकर 9 अगस्त को आपको एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंच जाना है और फाइनली 9 अगस्त को ही पेपर कंडक्ट करा लिया जाएगा। अमिता वाजपेयी जी का साफ साफ निर्देश है, उसमें शासनादेश जारी किया गया है जिसमें बताया गया है साफ साफ कि जो परीक्षा है 9 अगस्त 2020 को ही कंडक्ट कराई जाएगी, जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको अपनी डिस्ट्रिक्ट एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट भी चेंज करने का ऑप्शन मिला था। अगर उन्होंने अपनी डिस्ट्रिक्ट चेंज की है तो अपना एडमिट कार्ड में देख सकते हैं फाइनली उनकी एग्जामिनेशन सिटी चेंज हो गई है, वो लोग अपना एग्जामिनेशन सेंटर पर टाइम से पहुंचे, आधा घंटा पहले पहुंचे, अपना निरीक्षण करें, अपना रोल नंबर चेक करें और उसके बाद
परीक्षा हाल में ही लें। परीक्षा हाल में जाने के बाद अपनी पूरी यथा स्थिति जितनी भी कंठस्थ चीजें हैं उन्हीं को दोहराएं, ना कि कोई चीटिंग का मामला आएगा, क्योंकि चीटिंग में आपको पता होगा इसमें नोटिफिकेशन साफ साफ पहले से ही दिया रहता है क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। और इसमें सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं, उसी की निगरानी में परीक्षा होती है। साथ ही साथ कई उनके ऐसे हैं जो गाड़ी भी करते हैं और गाड़ी में कई लोगों को दिक्कतें भी आती हैं, तो दिक्कतों का सामना नहीं करना है, आपको पेपर देना है। और पेपर में ना कि आपको वार्तालाप करना है, फाइनली आपको पेपर देना है। जो क्वेश्चंस आते हैं उन्हीं क्वेश्चंस को आप सबसे पहले असेसमेंट चेक करें, क्योंकि यहाँ पे तीन तीन घंटे का दो स्लॉट होता है, 6 घंटे आपको टोटल मिलेंगे और यहाँ से क्वेश्चनों की संख्या होगी 200, ठीक है। प्रथम प्रश्न पत्र 100 प्रश्न का होगा, दूसरा प्रश्न पत्र भी 100 प्रश्न का होगा। अगर उसमें हम बात करते हैं क्या रहेगा पेपर का पैटर्न, तो अगर बात करते हैं फर्स्ट पेपर की, तो जिसमें जीएस 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और जीएस का जो पोर्शन है इसमें हिस्ट्री पॉलिटी इकोनॉमी ज्योग्राफी करंट अफेयर्स और साथ ही साथ इंटरनेशनल रिलेशन भी कई बार पूछ लेता है। अब इस बार विज्ञान और प्रौद्योगिकी भी पूछेगा, बहुत अच्छे लेवल से पूछेगा, ध्यान रखना है COVID-19 का कहर है, ये भी विज्ञान प्रौद्योगिकी के अंतर्गत ही आएगा और बढ़िया से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जीएस के 50 प्रश्न हो गए, अगर आप अच्छे ढंग से तैयारी कर रहे हैं, जीएस के रेगुलर करंट अफेयर्स देख रहे हैं, तो आपको ये दिक्कत नहीं होगी, यहाँ से आप 30 प्रश्न ला सकते हैं, ठीक है। अगर हम लोग बात करते हैं सेकंड में, तो यहाँ भाषा होता है। भाषा में आपने चूज किया होगा जब आपने फाइनली ऑनलाइन किया होगा, यानी आपने एंट्रेंस एग्जाम के लिए ऑनलाइन किया होगा, तब आपको भाषा चूज करने का मिला होगा कि फर्स्ट प्रश्न पत्र में आप पेपर किस लैंग्वेज में देंगे, हिंदी या इंग्लिश, ठीक है। तो अगर हिंदी आप देना चाहते हैं तो 50 प्रश्न की आपकी हिंदी आएगी, और हिंदी में आपको पर्यायवाची, वर्ण, तत्सम, तद्भव, विलोम, अनुलोम, कई ऐसे फैक्टर्स हैं जो हिंदी के लिए आते हैं, सामान्य भाषा के तौर पे पढ़े जाएंगे। उसकी प्रैक्टिस चैनल भरपूर मात्रा में करवाया है, प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा है, आप देख सकते हैं। अगर बात करते हैं प्रथम प्रश्न पत्र की, एक बात और ध्यान रखना है, 1/3 यहाँ माइनस मार्किंग भी है, 1/3 माइनस मार्किंग है। अगर 3 प्रश्न आपने गलत कर दिए हैं तो 1 सही वाला प्रश्न भी माइनस हो जाएगा, यानी 33.33% का माइनस मार्किंग है यहाँ पे, ध्यान रखना है। इसलिए क्वेश्चन को उन्हीं को अटेम्प्ट करना है जो आपको फाइनली पता है कि हाँ ये प्रश्न मेरा सही जा सकता है, नहीं तो आप नकारात्मक में जा सकते हैं, आपको प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। अगर बात करते हैं प्रथम प्रश्न पत्र की, तो यहाँ से आप लगभग 65 प्रश्न ला सकते हैं, 65 से 70 प्रश्न लाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर 65 प्रश्न आप ले आते हैं प्रथम प्रश्न पत्र में, तो आप अपने आप को जीनियस समझिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी है या इंग्लिश है, उसमें बहुत से लोग कहते हैं 50 में 50 ले आएंगे, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। हिंदी अपने आप में एक महत्वपूर्ण भाषा है, राजभाषा है, इसलिए इतना हलवा भी नहीं है, ठीक है। अगर बात करते हैं सेकंड प्रश्न पत्र की या सेकंड पेपर की, तो सेकंड पेपर आपको पता होगा यहाँ जो लिखा है अभिक्षमता परीक्षण, यहाँ लोग कह देते हैं ये रीजनिंग है, लेकिन रीजनिंग नहीं है, ध्यान रखना है। यहाँ पे बाल विकास भी पूछा जाता है, यहाँ पे आपसे रीजनिंग के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि मैथमेटिकल डायग्राम्स होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको फाइनली जीएस के भी प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो अभिक्षमता परीक्षण में आपके 50 प्रश्न होंगे, अगर आप यहाँ से 20 प्रश्न भी सही कर लेते हैं तो भी आप अपने आप को सेफ जोन में समझिएगा, ठीक है। 20 प्रश्न अगर आप अभिक्षमता परीक्षण से करते हैं, करने को लोग 50 भी करेंगे, लेकिन उनके सही कितने जाते हैं ये उनके ऊपर डिपेंड करता है, उनके कॉन्फिडेंस के ऊपर डिपेंड करता है, तभी कुछ लोग बंदे ऐसे हैं जो फाइनली गवर्नमेंट कॉलेज नहीं कर पाते हैं, ठीक है। अगर बात करते हैं विषय की, आप फाइनली आके विषय की चूजिंग आ गई है, आप किस सब्जेक्ट से फाइनली भरे हैं, आपने ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट से लिया है, साइंस से किया है, या फिर एजी यानी इकोनॉमिक एजी से किया है, या फिर आपने कला वर्ग चूज किया है, और या फिर आपने विपणन के लिए यानी वाणिज्य के लिए अप्लाई किया है, कॉमर्स से किया है आपने ग्रेजुएशन, या फिर बीएससी किया है, या फिर बीए किया है, और या फिर बीएससी एजी किया है, इसमें से क्या किया है उसी के अकॉर्डिंग आपका सेकंड प्रश्न पत्र का खाखंड होगा, ठीक है। ये काखंड है और ये खाखंड है, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग पेपर होगा आपको। अगर हम थोड़ी सी अनुभव की अनुभूति बताएं, तो जो विज्ञान का पेपर है वो कृषि का पेपर है, ये दोनों सेम रहते हैं, और जो वाणिज्य वाला पेपर है ये अलग रहता है, जबकि कला वाला पेपर वो पूरा और पूरा जीएस रहता है, ठीक है। यहाँ हिस्ट्री पॉलिटी इकोनॉमी ज्योग्राफी और साइंस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से हिस्ट्री से पूछा जाता है, ध्यान रखना है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं क्वेश्चनों की, तो 20-22 प्रश्न यहाँ से आप कलेक्ट कर सकते हैं, अगर कला वाला बंदा है तो यहाँ से वो 35 प्रश्न ला सकता है। अगर बात करते हैं साइंस या फिर वाणिज्य की या फिर एजी की, तो वहां से भी वो बंदा अपने सब्जेक्ट में तो 35 नंबर ला ही सकता है। यहाँ से भी आप 55 से 60 प्रश्न ला सकते हैं, अगर 60 यहाँ से ले आया और 65 यहाँ से ले आए, 135 प्रश्न बन जाते हैं, 125 प्रश्न बन जाते हैं, और इतने निकालने की कोई गुंजाइश नहीं रहती है, अपने आप में बढ़िया स्कोर हो जाता है और गवर्नमेंट सीट आपको पक्की हो जाती है।
ध्यान रखना है, 1/3 माइनस मार्किंग है, नकारात्मक अंकों से बचना है क्योंकि नकारात्मक अंक कई बार दिक्कत का सामना करवा देते हैं। काइंडली आप एक एक नंबर से मेरे लिस्ट में बाहर हो जाएंगे। पता होगा गवर्नमेंट सीटें कितनी है और किस लेवल पे आपको फाइनली चूज किया जाता है। फाइनली जब मेरी लिस्ट बनती है उसी के अकॉर्डिंग पेपर हो पाता है। कई लोग इसमें भी कहते हैं चीटिंग हो जाती है, कई एग्जामिनेशन सेंटर ऐसे हैं जहाँ पेपर लीक होता है। तो ये सब गलतियां हैं, अफवाहें हैं, ध्यान रखना है, इन पे नहीं जाना है। आपको फाइनली तैयारी करनी है और तैयारी किस बेसिस पे करनी है, हिस्ट्री पॉलिटी इकोनॉमी ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स पढ़ना है। साथ ही साथ अगर बात करते हैं करंट अफेयर्स की तो करंट अफेयर्स आपको पढ़ना है। COVID-19 से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अनलॉक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसका वीडियो अभी हाल ही में प्रोवाइड किया जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल तैयारी कराएगा। अगर बात करते हैं फाइनली मेरे लिस्ट में काउंसलिंग के बाद हो पाता है, मेरिट लिस्ट आएगी देन काउंसलिंग होगा, उसके बाद एडमिशन होगा। अगर बात करते हैं हमने काउंसलिंग की डेट और शैक्षणिक सत्र, तो शैक्षणिक सत्र पक्का पिछड़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये अगस्त में पेपर होगा, सितंबर या अक्टूबर से फाइनली शैक्षणिक सत्र स्टार्ट होगा और इसमें शंका की कोई बात नहीं है। उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशन में सारे कार्य होते हैं तो गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है वो शैक्षणिक सत्र कब से स्टार्ट करता है। फाइनली जो अभी तक शैक्षणिक सत्र स्टार्ट हुए हैं वो 1 जुलाई से ही स्टार्ट होता था, 1 जुलाई से ही काउंट होता था। 2 वर्षीय पाठ्यक्रम है, ध्यान रखना है, बीएड शिक्षा संकाय है, 2 वर्षीय पाठ्यक्रम है, उत्तर प्रदेश शासन का है। तो इसमें अगर कोई डाउट है तो कमेंट के माध्यम से लिख सकते हैं, चैनल उस पर विचार करता है और फाइनली रिप्लाई भी करता है। अगर चैनल के साथ पहली बार जुड़ रहे हैं तो रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे और आप चैनल का भरपूर लाभ ले सकें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।